Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. Are you preparing for UPSC Civil Services and you have fear of maths, quantitative aptitude? Then सबसे पहले इस डर को अपने मन से बाहर निकाल दीजिए because your success is waiting for you. So first of all, we will discuss the importance of mathematics in your success, in your exam. Okay, बिकॉज अगर मुझे उसके इम्पोर्टेंस पता है तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड उसकी तरफ इंक्लाइंड हो जाता है बिकॉज हमें पता है कि इम्पोर्टेंट है, मुझे करना है हर हाल में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन योर एग्जाम. ओके, तो अगर मैं डिस्कस करूँ आपके साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर, तो वहां पर आप देखिए कि GS पेपर 2 That is C set. उसके अंदर आपका मैथमेटिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब यहाँ पे देखो, सी सेट 2015 के अंदर 24 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के थे. ओके, देन सी सेट 2016 के अंदर देयर वर 27 क्वेश्चन, 2017 22 क्वेश्चन, 2018 27 क्वेश्चन, 2019 26 क्वेश्चन, एंड इन 2020 देयर वर 41 क्वेश्चंस. यस, 41 क्वेश्चंस वर फ्रॉम मैथमेटिक्स. दैट मींस कि ये लगा के चलो आप कि मोर देन 50% पेपर वाज फ्रॉम मैथमेटिक्स. टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं सी सेट के अंदर, जिसके अंदर से 41 क्वेश्चंस वर फ्रॉम मैथमेटिक्स. ओके, इन 2021 देयर आर 33 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स. दैट मींस कि आप देख रहे हो कि जो ट्रेंड है एग्जाम का वो चेंज होता जा रहा है. पहले क्वांट के क्वेश्चंस कम आते थे एग्जाम के अंदर, आजकल क्वांट के क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं. ओके, और यू कैन से कि आपके एग्जाम के अंदर, मैं नहीं कहूंगी कि हाँ जी 50% ही क्वेश्चन आपके क्वांट के अंदर से होंगे, बट यू कैन एक्सपेक्ट 35-40% क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स. आई एम सेइंग परसेंटेज. ओके, तो आप ये देखो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ. सबसे पहले तो ये, अब हमें पता है कि इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी डेली प्रैक्टिस करनी है. कि अब बात आती है कि कैसे करें, कैसे करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने जो टूल्स हैं, टूल्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. अब आप कहोगे मैडम टूल्स क्या है, अब ये आप देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैकेनिक है, अब उसके सामने जी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, वो क्या करेगा, अपना टूल बॉक्स उठाएगा और उसमें से देखेगा कौन सा प्रॉपर टूल यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है. सेम वे मैथमेटिक्स के अंदर भी आपको टूल्स, बेसिक टूल्स पता होना चाहिए मैथमेटिक्स के. दैट मीन्स कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पे नहीं जाना है, हमें पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं. ओके, अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक लेते हो, पहले उसके छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करोगे, एक दूसरा टॉपिक है उसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे. अब जरूरी नहीं है कि हाँ जी आपके पास में एक पर्टिकुलर टॉपिक पे से ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा हो जाता है आपके दो या तीन टॉपिक्स मिक्स करके एक क्वेश्चन आ रहा है. और सीसेट के एग्जाम में तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल से क्वेश्चन आ जाते हैं जो अभी कभी देखे ही नहीं है हमने. That means कि logical questions हैं, you should go for the logical approach for solving the questions. Okay? जैसे for example, अब मैं कहती हूँ कि मेरे पास में एक question है, easy सा question लेते हैं. देखिए, मेरे पास एक question है, मैं कहती हूँ कि there are two numbers in ratio of 3:5. Okay? We have two numbers A and B in ratio 3:5. Now, what is the question? The first number is how much percent more or less the second number. Simple question है. क्या कहा मैंने? Then the first number is how much percent more or less than the second number. Okay? अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखिए कि आपको कोई number तो given ही नहीं है. सिर्फ क्या given है? Ratio given है. और आपसे क्या पूछी गई है? परसेंटेज पूछी गई है कि कितना परसेंट मोर या लेस है. अब आपके कंसेप्ट रेशियो के भी क्लियर होने चाहिए और परसेंटेज के भी क्लियर होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि जहां पे आपके पास में रेशियो गिवन है, दैट मींस दीज आर नॉट द एक्चुअल नंबर्स, बट दीज आर इन प्रोपोर्शन, दीज नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाई सम कॉमन कॉन्स्टेंट. ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये नंबर कितना है, 300 है, ये 500 है. ओके, ऐसा भी हो सकता है कि ये नंबर 30 है, ये नंबर 50 है. ऐसा भी हो सकता है ये नंबर कितना आपका 45 है और ये नंबर कितना आपके पास में 75 है.
अब देखो सभी के अंदर हो क्या रहा है कि ये जो नंबर है ये रेशियो पर्टिकुलर सेम आ रही है। अगर से यहाँ पे हम इसको 15 से कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे हम इसको अगर 10 से कैंसिल आउट करेंगे 3:5, यहाँ से अगर हम इसको 100 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया 3:5। ओके, दैट मीन्स व्हाट, कि आपका रेशियो का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकेंड वन, आपसे क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज पूछी गई है, दैट मीन्स कि आपका परसेंटेज का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से हमने करना क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ रेशियो। अब मुझे जैसे रेशियो का बेसिक्स पता है, अब मैं क्या करूंगी, रेशियो भी छोटे छोटे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, ठीक है, फिर हम थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसी तरह से फिर हम उससे ज्यादा हायर लेवल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ऐसे आपने अप्रोच लगाने, तो उससे आपको टफ नहीं लगेगा, आपको टफ नहीं लगेगा। अब आप सीधा मान लीजिए एक टफ क्वेश्चन लेके बैठ जाते हो तो आप क्या कहोगे, अरे यार मेरे से तो सोल्व भी नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है, पहले बेसिक से शुरू करो, पहले उसका जब बेसिक आपका क्लियर है तो उस केस के अंदर आपके पास जितनी टिपिकल टू टिपिकल प्रॉब्लम आ जाए, जैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको पता है कि मुझे यहाँ पे क्या यूज करना है, कौन सी ट्रिक लगानी है, कैसा मेथड मैंने यूज करना है, आप उसको इजिली सॉल्व कर लोगे। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें पता है कि भी प्रोपोर्शन में है, दैट मीन्स कि जो कॉन्स्टेंट है वो तो कैंसिल आउट हो जाना है। अब उसने कहा कि बताओ कि ए बी से कितना परसेंट मोर है या लेस है, और हमने यहाँ पे देखा कि ये इससे कितना लेस है, तो ए क्या है, लेस है, कितना, 2 लेस है, बट उसने पूछा कितना परसेंट लेस है, कितना परसेंट लेस है किससे, सेकंड नंबर से, सेकंड नंबर दैट मीन्स डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर इनटू 100, तो मुझे क्या पता चल गया भाई 40% लेस है ना। सेम वे आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जरूरी थोड़ी ना कि लेस ही आएगा आपके पास में या फर्स्ट नंबर का ही कंपैरिजन आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास क्वेश्चन हो कि सेकंड नंबर कितना परसेंट मोर और लेस है किससे, फर्स्ट नंबर से, मींस हाउ मच मोर और लेस देन द फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, तो उस केस के अंदर अब अगेन द वैल्यू इज सेम, डिफरेंस दोनों के अंदर सेम है। अगर हम सेकंड नंबर को कंपेयर करते हैं तो सेकंड नंबर अगेन क्या है, अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं तो सेकंड नंबर कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, तो परसेंट अब कंपेयर किससे करना है, मुझे फर्स्ट नंबर के साथ कंपेयर करना है, और फर्स्ट नंबर कितना था हमारा, 3 × 100, दैट मीन्स कि कितना है, 66.7% मोर है। क्लियर, दैट मीन्स कि गो फॉर द बेसिक्स, पहला पॉइंट, अगर आप बेसिक से करोगे आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, बिकॉज हमें पता है कि जब हम बेसिक से हायर लेवल पे जाएंगे तो हमें कैसे उसको सोल्व करना है। आई होप सभी को ये वाला पॉइंट क्लियर है। हाँ जी बताइए, किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो इस पॉइंट के अंदर। ओके, तो मैथमेटिक्स बेसिकली है क्या, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लॉजिकल एंड एनालिटिकल कॉन्सेप्ट्स। ओके, अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है इन दैट केस लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके, अब देखिए जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इज लर्न द मैथ्स कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम टीचर, टीचर से आप मैथ कॉन्सेप्ट सीखो, इंस्टेड ऑफ कि आप खुद थ्योरीज पढ़े जा रहे हो, ठीक है, फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स आप थ्योरीज पढ़ रहे हो, उसको खुद से समझने की कोशिश कर रहे हो, इससे आपका क्या है, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आपको भी पता है कि हाँ जी 5 जून को आपका एग्जाम होना है, तो अपने पास इतना टाइम नहीं है। ओके, दैट मीन्स व्हाट, कि हमें किसी ना किसी पर्टिकुलर टीचर को फॉलो करना है। यू कैन ऑल्सो वॉच द वीडियोज, और के वीडियो लेक्चर्स भी आप देख सकते हो, बट आप एक बात देखो कि हर एक टीचर का अपना अपना मेथड होता है पढ़ाने का, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पहले एक टीचर से कर लिया फिर दूसरे टीचर से कर लिया, सभी का अपना अपना मेथड है पढ़ाने का। जिस टीचर का आपको पढ़ाया हुआ समझ आता है, यू आर कंफर्टेबल विद दैट टीचर, आप उस पर्टिकुलर टीचर को फॉलो करिए। ओके, जिससे कि आपके जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है, मैं ये नहीं कहती कि हाँ जी मैं आपका मैथ ही क्लियर करवा दूंगी, बात यह है कि जिसका आपको समझ आता है उसको आप फॉलो करो, जिसको आपको समझ आता है कि हाँ जी ये इस टीचर ये मुझे आराम आराम से समझा रहा है, मेरे पॉइंट्स क्लियर कर देगा, आप उस टीचर को फॉलो करो। ओके, आप हमें भी फॉलो कर सकते हो, आप जब आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है उसके लिए हमने प्रॉपर सारे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ओके, तो आप किसी भी पर्टिकुलर टीचर को फॉलो करिए और उससे आप सीखिए कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर करने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, कि
फ्रेश माइंड से आपने प्रिपेरेशन करनी है। आप देखिए, जब अगर हम बात करते हैं मैथ की, मैथ्स प्रॉब्लम आर लाइक सॉल्विंग पजल्स। जब मैथ्स कर रहे हो आप, क्या है, अगर आप टायर्ड माइंड से मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते हो, इन दैट केस क्या होता है कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, क्वेश्चन कर रहा शुरू किया हमने, हाँ जी फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ, सेकेंड क्वेश्चन नहीं हुआ, थर्ड क्वेश्चन नहीं हुआ, फिर हमसे क्या होगा, नहीं होता भाई मैथ्स नहीं होता, माइंड में यही आएगा एंड वी गेट डीमोटिवेटेड कि मैथ्स नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो पाएगा। ओके, तो सबसे पहले ध्यान रखो कि मैथ्स हमेशा फ्रेश माइंड से आपने करना है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस टाइम उसको करते हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग सुबह के टाइम में, मॉर्निंग में अच्छा फील करते हैं कि हाँ जी सुबह हम मैथ्स कर रहे हैं, किसी किसी को आफ्टरनून का टाइम पीरियड जो है दैट इज़ बेटर फॉर देम, और कुछ इवनिंग का टाइम पीरियड सूट करता है किसी को। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि जब आप फ्रेश माइंड हो उस टाइम पे आप मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अब बात आती है कि प्रैक्टिस करें कैसे, प्रैक्टिस कैसे करें। तो प्रैक्टिस के लिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इन दैट केस गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए, अपने बेसिक्स क्लियर कर लिए, छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे वो हमने क्लियर कर लिए अपने, ठीक है, उनके ऊपर आपके जो लो लेवल मीडियम लेवल के क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व कर लिए, दो तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मिक्स करके हमने सॉल्व कर लिए। अब बारी है कि हाँ जी जब हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अब देखो कि मैंने कौन सा एग्जाम देना है, मैंने कौन सा एग्जाम देना है। ऑब्वियसली अभी हम डिस्कस करें सी सेट का एग्जाम, तो मुझे सी सेट का एग्जाम देना है। इन दैट केस गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमने एनालाइज करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स मेरे इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स मेरे इंपॉर्टेंट है, किन टॉपिक्स में से हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सी सेट की बात करूं, तो अगर हम देखें कि भाई नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, अब हमने देखा कि नंबर सिस्टम में तो हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, और क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं नंबर सिस्टम के, दैट मीन्स कि नंबर सिस्टम का हम कोई पार्ट स्किप नहीं कर सकते। ओके, मुझे उसको करना ही करना है, दैट मीन्स कि उसको आपने ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब इसी तरह से अगर मैं देखूं, वैसे तो सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो सिलेबस में है, अगर आप कर सकते हो तो सभी टॉपिक्स को कवर करो, बट अगर नहीं कर पा रहे हो, ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रहे, इन दैट केस यू कैन स्किप सम टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कंपाउंड इंटरेस्ट, अब ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे से क्वेश्चन नहीं आएगा, आ भी सकता है, बट अगर हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालिसिस करें तो उस केस में 7 ईयर्स में से कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन एक बार भी नहीं आया हुआ, आया हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट आया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आया, दैट मीन्स कि यू कैन स्किप दिस टॉपिक। ओके, तो इस तरह से हमने क्या करना है कि पहले देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, मींस कि एक टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस टेस्ट के फॉर्म में मिल रहे हैं और आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल रहा है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज ले सकते हो। ओके, तो आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करनी है। और एक और बात कि कभी भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना, जब भी आप मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो उस केस के अंदर सोचो कि भी मैंने कैलकुलेटर तो यूज करना ही नहीं है। ओके, ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम्स एंड कैलकुलेट योरसेल्फ। इन दैट केस क्या होगा, जैसे आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, कैलकुलेट करोगे अपने आप से, तो उस केस में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम को सोल्व करने का नजरिया चेंज हो जाएगा। लर्न द ट्रिक्स टू सोल्व द कैलकुलेशंस। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं कि मुझे 9 को 25 से डिवाइड करना है। ओके, 9 को 25 से डिवाइड करना है, अब अप्रोच क्या है मेरे माइंड में, हाँ जी चलो जी 9 को 25 से डिवाइड, बड़ा टाइम लग जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसा करता हूँ कैलकुलेटर से जल्दी से निकाल लेते, नहीं बिल्कुल भी नहीं, कैलकुलेटर तो भूल जाओ, बिल्कुल कैलकुलेटर नहीं यूज करना किसी ने भी, ठीक है। ये हमारे, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी हेल्प कर रहे हैं, ये हमारी हेल्प कर रहे हैं, बट होता क्या, ऑटोमेटिकली ये हमारे दिमाग को डल कर रहे हैं, तो इसलिए कैलकुलेटर को बिल्कुल भूल जाइए। अब बात आती है कि इससे अच्छा क्या करें, हम कुछ ट्रिक्स माइंड में रखते हैं, अपने टीचर से कुछ ट्रिक्स सीखते हैं कि हाँ जी कैसे हम कैलकुलेशंस को फास्ट कर सकते हैं। तो अब उस केस में जैसे यही है, अब यहाँ पे मुझे 25 से इसको डिवाइड करना, क्या कर सकती हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देती हूँ तो क्या आएगा, 36/100, और आंसर क्या आ गया, 0.36, इट बिकम्स वेरी इजी।
और जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो क्या आपको इसको ऐसे लिखने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है नहीं है जरूरत। सीधा माइंड में क्या आया मेरे भाई, 25 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ 100 आता है, सेम वे 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 36 आएगा, 36 दो पॉइंट्स आ गए। हाँ जी, वेरी इजी। हाँ जी बताइए, अभी कुछ इजी लग रहा है कि हाँ मैथ्स ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है मैथ्स, बताइए। तो इसलिए एक और बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, जब आप क्वेश्चन देखते हो, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, तो आपको जो क्वेश्चन को सॉल्विंग प्रॉब्लम रखनी है, क्वेश्चन सॉल्विंग प्रॉब्लम रखनी है, सॉरी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच अपने माइंड में रखनी है कि कैसे मैं बताऊं आपको। फॉर एग्जांपल अपने पास में एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन है, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे इसका आंसर भी है, आंसर है साथ में इसका सॉल्यूशन गिवन है। अब मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन पढ़ा जाके देखो कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, नहीं ऐसे नहीं करना, पहले उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, पहले अपने आप योरसेल्फ, यू विल सोल्व द क्वेश्चन योर सेल्फ। ट्राई करो उस क्वेश्चन को खुद से करने की, नहीं हो रहा क्वेश्चन दोबारा से ट्राई करो, फिर भी नहीं हो रहा, देन यू कैन गो फॉर द सोल्यूशन। बिकॉज अगर आप दो बार ट्राई करने के बाद इस सोल्यूशन पे जाते हो और उसको समझते हो तो वो आपको याद हो जाएगा, वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन मैंने ऐसे एक मैंने तरीका लगाया, इससे मेरे से ये नहीं सोल्व हुआ, दूसरा मैंने मैथड लगाया इससे नहीं सोल्व हुआ, ठीक है। और इस मेथड से सोल्व होगा तो उस केस के अंदर क्या होगा कि जब अगर आपको एग्जाम में उस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको पता है कि इन दो मेथड से नहीं सोल्व होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन किससे होएगा, इस तीसरे मेथड से सोल्व होगा। आई होप पॉइंट क्लियर है आपको, क्या कहना चाह रही हूं मैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखनी है अपने माइंड के अंदर कि पहले खुद से क्वेश्चन को सोल्व करो, आफ्टर दैट गो फॉर द सोल्यूशन। ओके, आई होप कहीं ना कहीं माइंड में थोड़ा सा तो डर कम हुआ होगा आप लोगों का। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ कुछ डर कम हुआ है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट ऑन आवर वेबसाइट, वेबसाइट है हमारी दैट इज abhipedia.abhimanyu.com। सभी को पता है अभिमन्यु अभी तक कितना अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को दे चुका है, यूपीएससी को कितने ज़्यादा आईएएस ऑफिसर प्रोवाइड कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे आप इस विजिट के ऊपर ये जो वेबसाइट है इस पर आप विजिट कर सकते हो। दूसरा, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक भी अवेलेबल है, इसको आप ज्वाइन करो, डेली क्विज आते हैं इस पर, आप उनको सोल्व कर सकते हो। ओके, थर्ड, वी आर प्रोवाइडिंग एक 7 डेज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर सीसेट, 7 डेज का ट्रायल है, कोर्स 7 डेज का नहीं है बेटा, दिस इज ए ट्रायल कोर्स, आप एक बार उसको ट्राई करो। अगर आपको लगता है कि हाँ जी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका मुझे समझ आ रहा है, उनका जो मेथड है वो मेरे माइंड में क्लियर बैठ रहा है, तो आप इस कोर्स को कंप्लीट भी ले सकते हो, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, यू कैन ट्राई इट। ओके, सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बेस्ट ऑफ लक।